stargazer. Okay. Which was equal to star dust that time, because my paper was very positive, not negative. So I have friendship with the film industry, and eventually from journalism, I came to movie making. First I make one short film, okay, called Six, with the help of my friends, Khushwant Singh, who are dear friend of mine, who died recently in the age of 99. And I told him that I want to make a short film about my religion. I want to tell the whole world what is a Sikh religion. Okay. And I made two reels in black and white when there was no internet, no video. And I took the two reels in my bag, $8 in my pocket, and went all around the world. And but mind you, I have not shown that movie commercially. I shown in all the gurdwara in the world, and they used to hire the projectors. Okay. There was no video. आपको भी बहुत आसान हो गया एक मिनट में YouTube खोल लेते. And after 6 months I came, I went to Los Angeles. I met Yogi Bhajan, who has brought yoga in India. He's there. You know, people are doesn't know. They think that Osho bring the yoga in India. No. Okay. It was Yogi Bhajan who brought yoga in India, and he make millions of million American to a Sikh religion. जो white pagdi पहनते हैं, white कपड़े पहन. तो Yogi Bhajan ने मुझसे कहा कि आपने ये film बनाई है, आप इसके मुझे कुछ प्रिंट बना के दो. तो मेरे पास तो नेगेटिव नहीं है. तो उन्होंने कहा हमारे पास हॉलीवुड में ऐसी एक लैब है जो पॉजिटिव पॉजिटिव बना सकते हैं. हमने सुना नहीं था. उन्होंने सर मेरे को 4 प्रिंट बना के दिए. एक प्रिंट उन्होंने कहा हम रखना चाहते हैं, और 3 प्रिंट मुझे दे दिए, प्लस मेरे को $1,000 दे दिया, और जहाँ मैं रहा था मेरे रहने का खर्चा दे दिया. आगे चल पड़ा, कनाडा आया, यूके आया, मतलब पूरा वर्ल्ड करते 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 ईरान, तब से मैं आई केम टू दिल्ली आफ्टर 6 months. आई डिड आस्क फॉर मनी बट गॉड गिवन मी. दैट टाइम आई मेड दिस मूवी. देयर इज ओनली वन फ्रेंड ऑफ माइन इन द फिल्म इंडस्ट्री जिसको सारी दुनिया भारत के नाम से जानती है, आप भी जानते हैं. तो मैं उनके साथ मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट आई वाज वेरी यू नो फ्रेंडली विद हिम. सो आई यूज्ड टू एक्सचेंज माय आइडिया विद हिम. सो आई वांटेड टू शो हिम द पिक्चर. ऐसे मनोज जी मैंने एक एफर्ट करके छोटी सी उस फिल्म मैंने क्या दिखाया, खुशवंत सिंह से डिस्कस करके, हम सिख जो है हमारा रिलीजन कहाँ से शुरू हुआ, सिख रिलीजन कैसे आया, पहले गुरु नानक आए, मगर सिख बने कब, हम जब गुरु गोविंद सिंह आए उन्होंने खालसा बनाया, पहले उससे नहीं था. और गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म के लिए अपना शीश कटाया, हिंदू धर्म को बचाने के लिए. अंडरस्टैंड. तो कहते हैं चलो, उनकी कोई फिल्म थी उस टाइम शायद शोर थी, उसकी एडिटिंग चल रही थी रेमनॉट में, कल दिखा मुझे फिल्म. मैंने उनको 2 फिल्म दिखा, 2 घंटे. मेरी टोटल फिल्म थी 25-30 मिनट की, ब्लैक एंड वाइट, 2 रीलर, 35 mm में, जो मैंने अपने मतलब घर का सामान वान बेच के, गाड़ी बेच के बना ली थी. तो देखी उन्होंने, बाहर निकले, उनका एक स्टाइल था, कंधे पे हाथ रखते थे ऐसे. मैंने मतलब पूछा, क्योंकि उनकी जितनी फिल्में रिलीज होती थी ना दिल्ली में, मैं पहला आदमी होता जो ऑडियंस में जाता था और देखता था ऑडियंस का क्या रिएक्शन. और मनोज जी मेरे से पूछते तेरा बॉक्स ऑफिस क्या कहता है. एक बार मुझे याद है राजकमल स्टूडियो में रोटी कपड़ा मकान का प्रीव्यू रखा उन्होंने, तो मेरे को बाहर निकल के बोलते हैं कैसी है फिर. मैंने बोला शोर प्लस अदर 2 पिक्चर इसी का टू रोटी कपड़ा मकान. उसमें जो सरदार का करेक्टर है प्रेमनाथ का, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और उसी उन्हीं की पिक्चर के दौरान या जू में मेरी प्रेमनाथ जी से मुलाकात हो गई. उनको पगड़ी मारनी थी, शूटिंग रुकी थी, क्या हुआ अपने सर पे बाल, बहुत खुश हुए. प्रेमनाथ प्रेम ने पूछा तुम क्या, मनोज ने इतना परिचय दिया था ही इज अ जर्नलिस्ट माई फ्रेंड ही फ्रॉम डेली. प्रेमनाथ जी बहुत प्यारे इंसान थे,
आ जाओ कल शूटिंग है, तो कल मैं दूसरे महबूब स्टूडियो गया, विजय नंद की शूटिंग थी, कहते तू अपनी फिल्म दिखा ना, मैं कहा हाँ, तो मैं दो रीलें ना अपने बैग में रखता था, तो उन्होंने महबूब स्टूडियो में ऊपर दो रीलें भेजी, फिर उन्होंने शूटिंग रोक दी, ऊपर देखने गए, फिल्म देख के वापस आए, विजय नंद शूटिंग मतलब शूटिंग कर रहा था, आए ना, तो यू नो ही इज अ वेरी लाउड, इज अ वंडरफुल पर्सन, वो आया तो ही स्टार्ट डांसिंग, गुल्डी कम हियर, आई वांट टू मीट यू वन दिस यंग मैन, ही मेक दैट फिल्म, ही शूट व्हाट इज द रिलीज, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बात खत्म हो गई, मतलब आई सेड आई वाज एन ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट इन दिस इंडस्ट्री व्हेन आई केम, आई हैव नो इंटेंशन टू मेक फिल्म, हाँ बेसिकली मेरे अंदर अंकुर था राइटिंग का, बचपन से लिखता हूँ, लिखता आया हूँ और लिखता रहूँगा मरने तक, और मैंने फिल्म जो मैं बना रहा हूँ वेलकम टू इंडिया, ये मेरे यहाँ है, इसके अंदर है, इतनी इतने 3 इंच के अंदर, आप पूछेंगे कैसे, मैं मनोज कुमार के स्कूल का आदमी हूँ, मनोज कुमार मुझे कहते थे फिल्मों की स्क्रिप्टें कागज़ पर नहीं बनती, यहाँ बनती है, अभी आप मेरे से आप डिस्कस करें, मैं अपनी फिल्म का पहले से लास्ट फ्रेम तक आपको बता सकता हूँ, तो बात खत्म हो गई, उन्होंने मेरी फिल्म देखी, अप्रिशिएट की, थैंक्स टू मनोज कुमार जी, उन्होंने मेरा परिचय करा दिया उनसे, तो हम लोग कोई उनका कोई शो था औरंगाबाद गए, वो मेरे को सब जाए, एक पूरा चार्टर प्लेन किया था, तो जब फ्लाइट लैंड कर रही थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा वहाँ डिले था ऊपर, तो बोलते तू क्या करना चाहता है, मतलब मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, पहले मैंने शॉर्ट बनाई, मैं फीचर, बोलते क्या बनाना चाहता है, कोई कहानी है, मैं कहा मेरे माइंड में है, तो बड़े सनकी किस्म इंसान है, उसने घड़ी देखी, 5 मिनट है फ्लाइट लैंड होने में, अरे 5 मिनट के अंदर तुमने मुझे कहानी सुना दी, मुझे पसंद आ गई तो फिल्म बना, ऐसे फाइन, मतलब बोलो, उसका स्टाइल था शूट शूट, तो मैंने बोला सुनिए आप ज्ञानी जी हैं एक गुरुद्वारे के, छोटा सा गुरुद्वारा है पंजाब का, और आपका एक ही बेटा है वो है एयरफोर्स में जो गया हुआ है, और शाम को आपका एक ही काम है कि आप गुरुद्वारे में कीर्तन करते हैं, तो आप शाम के समय बैठे हैं, संध्या का टाइम मेरा रास हो रही है, और इतने में पोस्टमैन आता है, तो वो कहता है ज्ञानी जी आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है योर सन डाइड इन द क्रैश, आई हैव टेकन दैट करेक्टर फ्रॉम निर्मलजीत सिंह शेखो हु शॉट द इस एयरक्राफ्ट ऑन द रडार इन पाकिस्तान, वो इस परम उनको मिला है, वो करेक्टर था, तुमने पढ़ा ऐसे, उनकी आंखों में आंसू ने इतने में सेवादार आया, आपको पता है हमारे यहाँ गुरुद्वारे में क्या होता है, रास होती है, उसके बाद कीर्तन होता है, उसने आके बोला ज्ञानी जी आपके कीर्तन का समय हो गया, उसके आगे आके हारमोनियम रख दिया, तो मैंने बोला आप गाते हैं क्योंकि गुरुवारी मेरे अंदर है और मेरी माँ की देन है, मेरी माँ सुबह उठ के 3 बजे गुरुद्वारे जाती थी, तो वो तो बोलो 5 मिनट रुके उसको बोलो कौन से मैं बात मुझे शांति मिलती है, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि पूरी दुनिया, आपको पता ऋषिकेश को क्या कहते हैं अग्रवाल साहब सतीश जी, उसको कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ आपको जैपनीज ऑस्ट्रेलियन कोरियन मतलब कौन से देश के लोग हैं नहीं आते और छोड़ छाड़ के आते हैं, तो मैंने किसी एक राइटर ने अमेरिकन राइटर है वो मेरे साथ में रहती थी, शी इज ओल्ड लेडी मल्टी मिलियन और सब कुछ छोड़, उसने एक फिल्म ली एक बुक लिखी है सर 1000 पेजेस की, उसका नाम है वेलकम टू इंडिया, और वो अंदर पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिबिट ला किए हुए, तो उसमें उसने अपने एक्सपीरियंस बयान किए, तो मेरा ये कहना है कि हम जो इतना टाइम तक जो संदेश कभी मनोज कुमार जी ने दुनिया को दिया था पूरे पश्चिम में कि वेस्ट इज वेस्ट ईस्ट इज ईस्ट, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट इज कमिंग टू द ईस्ट,